कैमरा ऊपर कीजिए। माननीय उप मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है और बहुत अच्छे ढंग से संक्षेप में वहां भाषण दिया विधानसभा में, और उसके बाद बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी कर दी है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको मालूम है कि हम लोगों ने बजट हर क्षेत्र के बारे में ख्याल रखा। एक तो मौलिक चीज आप समझिए कि जो योजनाएं पहले से चल रही हैं और खास करके जो 7 निश्चय पिछली बार हमने शुरू किया था, उसमें जो चीजें जैसे कुछ जगहों पर सड़कों का निर्माण या हर घर नल का जल, उसका कुछ जगह पर काम जो रुका हुआ बचा है, उन सब चीजों के बारे में सारा प्रबंध कर दिया गया है। और ये इस बार का बजट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये पूरी कोशिश होगी कि 1 साल के अंदर जितनी भी चीजें पहले से चल रही है उस काम को पूरा कर दिया जाए। और इसके अलावा जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम हो रहा है उसको आगे निरंतर रूप से बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने इस बात को पूरे तौर पर चर्चा कर दी है कि जो नया जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 की परिकल्पना की गई है उसके बारे में जो कुछ भी कैबिनेट ने पास किया, और जब कैबिनेट ने पास किया तो विभिन्न विभागों ने इसके लिए जो जरूरी योजनाएं हैं उस पर काम किया और बनाया है, और इस साल के बजट में प्रावधान किया गया है इस पर सारा काम हम लोगों का शुरू हो जाएगा नए वित्तीय वर्ष में 21-22 में। और पूरे तौर पर उन सब चीजों के लिए जो कुछ भी है, तो पहले की स्कीम, आगे की स्कीम, और आप जानते हैं एग्रीकल्चर के लिए जो ध्यान दिया जाता है उसके बारे में, सड़कों के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि आप देख लीजिए कि हेल्थ और एडुकेशन दोनों पर और ज्यादा पैसा खर्च करने के बारे में निर्णय लिया गया है। तो सब लोगों को जो सुविधा मिलेगी उस सब चीज के लिए प्रावधान है। ऐसी परिस्थिति में भी, जबकि आप जानते हैं कि इस बार जो पिछले 11-12 महीने से जो कोरोना का दौर चला है तो उसका तो एक प्रभाव पड़ा ही है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हम लोगों का मन है कि हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे, और कोरोना के दौर में भी जो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र का सहयोग तो मिला ही है, लेकिन राज्य सरकार ने भी जितने बड़े पैमाने पर राशि का व्यय किया है, 10,000 करोड़ रुपया से ज्यादा इस काम इस क्षेत्र में काम किया, तो ये सब काम तो किए ही हम, लेकिन इसके आगे अगले साल के लिए और अच्छे ढंग से बिहार की प्रगति हो इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और बजट में एक एक चीज का प्रावधान किया गया है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे तौर पर आपको बता दिया है और हाउस में भी बताया है, संक्षेप में ही एक एक चीज के बारे में उन्होंने चर्चा कर दी है, और इसके अलावा आप लोगों के समक्ष भी इन लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को इस बात पर एकदम बिल्कुल, जिसको कहिए कि इसके प्रति हम लोगों का एकदम, जिसको कहिए कि डेडिकेशन, हम लोग बिल्कुल इस बात को लेकर के वचनबद्ध ही नहीं है, हम उस पर अनुपालन करना चाहते हैं, उसको क्रियान्वित करना चाहते हैं। उसके लिए बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में, जबकि आप जान रहे हैं कि आर्थिक स्थिति पर पूरे दुनिया में, पूरे देश में सब पर असर पड़ा, तो हम लोग उसके अलावे भी सब काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और करना चाहते हैं। सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग मिल करके बिहार को आगे बढ़ाने में अपना पूरा। जो आजकल तो लोग बोलते रहते हैं 19 लाख 19 लाख, हम लोगों का 7 निश्चय 2 जो आत्मनिर्भर बिहार के लिए लिखा नहीं है, उसमें लिखा हुआ है सरकारी और गैर सरकारी, हर प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे और 20 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का अवसर मिले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। देखिये वो तो बात नहीं समझते हैं, तो तीनों ना बनेगा साहब, आपको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनेगा और जो हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं आपको इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी बनेगा, और उसके अलावा खेल के लिए भी एक विश्वविद्यालय बनाने की बात है। और चूंकि आप जानते हैं कि राजगीर में इतने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, तो यही तय किया गया कि और कहीं किसी जगह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पर विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो जान रहे आज का तय नहीं, ये तो 10 साल पहले से तय है,
और उस पर काम होना जितने बड़े पैमाने पर शुरू हुआ, स्टेडियम से लेकर के एक एक काम वहां पर किस तरह से लोगों के खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए काम हो रहा, इसलिए सोच करके ही सब लोगों ने विचार किया और कहा कि वहीं पर खेल के लिए विश्वविद्यालय बनाने की विश्वविद्यालय बनाना अच्छा होगा, बेहतर होगा, इसलिए किया गया। और बाकी हम लोग इंजीनियरिंग के लिए भी और मेडिकल के लिए भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम लोगों ने तय कर लिया। और आप जानते हैं कि इसके लिए हम लोगों ने आपस में देखना शुरू कर दिया है कि किसका कहाँ होगा, तो उसके लिए भी सब तैयारी चल रही है। और जब वो अंतिम हो जाएगा कि कहाँ पर और क्या बनेगा, तो उसके बारे में फिर बात इसको घोषणा की जाएगी, हम लोग बनाएंगे।